What is up guys? कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं एक संडे राइड. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे ये तक याद नहीं कि मैंने लास्ट संडे राइड दिल्ली NCR में कब करी थी. ईजिली अराउंड एक साल हो चुका है. जो मोटरसाइकिल मैं आज चलाने वाला हूँ वो थोड़ी स्पेशल है. ऑफकोर्स इट्स नॉट द टाइगर 900, वो मेरे हिमाचल वाले घर में पड़ी है. जो आज चलाने वाले हैं वो है दिस वन. राइट, समझ में आ गया ना? सुबह के 5 बजे हैं अभी. ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि कुछ नहीं पता कितनी लंबी राइड चलेगी. बारिश का भी फोरकास्ट है. लेट्स सी कैसी रहती है राइड. जो मेजर एक्साइटमेंट है वो है 1250 GS चलाने की. सो यार, बेसमेंट के अंदर इतना ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है ना गाइस इस समय, कि ऐसा लग रहा है कि ये जैकेट मैं पहन ही क्यों रहा हूँ. बट बाइक चलेगी अभी तो होपफुली सब कुछ बढ़िया लगेगा. हेलो, 1250 GS थोड़ी सी ह्यूज बाइक है, हल्का सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में. बढ़िया स्टार्टअप लोगो अपलोड होता है. लेट्स गेट दिस स्टार्टेड. भाई तेरी तो 5:12 हो चुके हैं और मुझे मिलना है गौरव को फरीदाबाद सेक्टर 28 स्टेशन पे. तो 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही ग्रेटर नोएडा से वहां जाने में. हेलमेट को बंद करने का दिल नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है. मेरी आवाज से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये टाइगर 900 चलाने वाला बंदा कह रहा है कि 1250 GS का जो फील है ना वो नेक्स्ट लेवल है. क्या पंच है यार, उड़ने को पड़ती है एकदम से. हल्का सा थ्रॉटल दो बट ये जाती है आराम से 200. ये देखो भाई, खाली रोड और 1 सेकंड में 145-147. ग्रेटर नोएडा की अंदर वाली सुबह सड़कों पे कर रहा हूँ सुबह 5 बजे. कोई खास यहाँ पे ट्रैफिक है नहीं तो हेट मत देना कमेंट्स में. एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, जब आप एक सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल चलाते हो या एक स्मॉलर कैपेसिटी की मोटरसाइकिल चलाते हो, उस मोटरसाइकिल में और जो टॉप एंड हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल है उसमें जो एक्सेलरेशन में फ़र्क होता है वो तो होता ही है, बट जिस तरह से टॉर्क डिलीवर होता है ना वो होता है मेजर डिफरेंस. क्योंकि वो आपको फील करने को मिलता है 85-90% ऑफ द राइड में. एक सिंपल एग्जांपल, हम अभी 1250 GS पे 100 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे. एंड यहाँ से जिस तरह से ये बाइक उठेगी, 6th गियर में ही है, हमने कुछ ऐसा तो है नहीं कि 1st, 2nd, 3rd, 4th में खींच के लाए हैं इस पोजीशन पे. इट्स सेटल्ड एट 6th गियर. एंड यहाँ से ट्विस्ट ऑफ द थ्रॉटल एंड द वे द टॉर्क कम्स इन, क्रेजी पंच ऑन द 1250 GS. दिस जस्ट गोज लाइक अ बज़ूका. 150 km/h, 160. तो मैं ज़्यादा तेज चलाना नहीं चाहता बट आप समझ गए ना, सिर्फ BHP से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. जिस तरह से टॉर्क स्प्रेड आउट है ना पूरे बैंड में, उसका एक अलग ही फन होता है. अब ये मोटरसाइकिल जाने को तो 200 से ऊपर भी जा सकती है, बट 200 आप कितनी बार चलाओगे और कितनी देर चलाओगे, दैट इज़ द क्वेश्चन. फरीदाबाद वाले आ जाओ. क्या बैलेंस है यार बाइक का, बिल्कुल भी वेट फील नहीं हो रहा. मैं फैक्टर इन करके चला था कि काफ़ी टाइम लगेगा यार सेक्टर 28 फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पहुंचने में. 5:15 निकल रहा हूं ग्रेटर नोएडा से, यहां 5:40 पे फरीदाबाद पहुंच चुके हैं हम. ये है पंच GS 1250 का और साथ में जो एक्साइटमेंट है ऑलमोस्ट 1 साल के बाद संडे राइड करने की. वाह वाह वाह. यहाँ पार्क करते हैं अपनी गड्डी. ओके, आज तो मेरी राइड पे जूते ही फट गए भाई. ये सीरियस वाला बता रहा हूँ मैं, ये बकवास वाला शिट बेट वाला टाइटल नहीं है. आपको दिखाता हूँ क्या हुआ. ये देखो, ये अपने फॉर्मा ADV बूट्स, संडे राइड पे ये हाल हो गया. 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अब नए लेने का टाइम आ ही चुका है लगता है. हाँ भाई, ये क्या है? देखो ये देखो ये देखो, अच्छा ये इसका मैं पूरे दिन कैसे झेलूँगा. इसका आई थिंक मिल जाएगी सर, कभी जाके ना बाकी देरी आ रहा है सो दैट इज़ गौरव. इसके साथ हम आज जाएंगे भरतपुर सेंचुरी. प्लान अभी ये है क्योंकि टाइम हुआ है 6:15
यहाँ से एटलीस्ट 2-2.5 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। अब जाते हैं नहीं जाते आगे देखते हैं, क्योंकि कितनी गर्मी है, क्या वेदर कंडीशंस है कुछ नहीं पता। मेन तो हमें अपना अब ये फड़फड़ाता हुआ जूता ठीक कराना है। भड़बड़ 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 ट्रैक्टर की तरह चालू हो जाती है। अच्छा ये भाई स्क्रीन भी ऊपर हो जाती है इसकी। अच्छा वही मैं कहूँ इतना विंड ब्लास्ट क्यों आ रहा है, जीएस में तो नहीं आना चाहिए इतना विंड ब्लास्ट। अब सही है मामला। यू कैसे समझाऊं तुझे, मेरा पहला पहला प्यार है ये। ओ ट्रैफिक है भाई इस रोड पे, सुबह सुबह भी देख लो कितने ट्रक्स जा रहे हैं। मैं इस रोड पे ज़्यादा आता नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं था कि इधर इतना ट्रैफिक मिलेगा सुबह 6:15 बजे भी। बट देन दिस इज़ द मथुरा वाली रोड, ओल्ड वाली, सो बनता है इस साइड पे ट्रैफिक होना। जीएस मिली है चलाने के लिए, जीएस चलाने का टाइम नहीं है। कल का दिन निकल गया फैमिली के साथ सैटरडे, आज मिला है संडे, तो आज हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे टूरिंग करके थोड़ी सी। इतना बेसी एग्जॉस्ट नोट है ना 1250 जीएस का, मजा आ जाता है सुनने में। ऐसा लगता है कोई तगड़ा वाला जानवर जाग रहा है अंदर ही अंदर, जैसे पुल करती है ना बाइक और साथ साथ में जो ऐसे ऐसे करके आवाज आती है। बाकी एक्रा वगैरह लगा दें तो एकदम मस्त आवाज हो जाती है इसकी। मुझे पता नहीं है आपको सुनाई दे रही नहीं दे रही। एक सेकंड में 160 भाई हो क्या रहा है ये बाइक में, पागलपन है एक अलग टाइप का। अब ये दिक्कत है जब आप बार बार नई नई टाइप्स की बाइक चलाते हो ना, तो आप अपनी बाइक को ना ऐसा फील होता है यार कि ये वाली लेनी चाहिए थी। अब इस चीज़ से उभरने वाली मेच्योरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि चस्का बड़ा गलत है। देखा जाए तो 1250 जीएस के ऊपर कुछ है नहीं, हम बैठे हैं टाइगर 900 पे, एक सेगमेंट ऊपर जंप है, उसके बाद सारा सेगमेंट ही खत्म है एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल्स का। ठीक है उसको रहन देते हैं, कभी ज़िंदगी में आगे सीन बना तो डेफिनेटली जीएस 1300 या 1350 लेंगे। बाय द वे जीएस 1300 आने वाली है, देख ही लिए होंगे आप लोगों ने लीक सारे। पर्सनली मुझे जीएस 1300 का डिज़ाइन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, उन्होंने स्लीक करा है बाइक को, बट एक पता नहीं वाइब सी खत्म हो गई है। देखते हैं कैसी रहती है बाइक इन पर्सन जब आएगी, देखने में उसका एक अलग ही मज़ा है सामने अपनी आंखों के। फोटोज़ और वीडियोज़ जस्टिफाई नहीं करते बाइक के प्रपोर्शंस और उसकी प्रेजेंस को। एंड ये मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ लोगों में, लोग ना अपने मीडिया रिव्यूज़ देख के बिल्कुल एक मन बना लेते हैं, इतनी तगड़ी साइड लेना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब चक्कू छुरियाँ निकल आती हैं। अभी देखो फॉर एग्जांपल स्पीड 400 की इतनी ज़रा तारीफ़ हो रही है ट्रायम्फ की, और मैं बता रहा हूँ जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लोग इसके इतने बड़े फ़ैन हो गए हैं, कितने लोगों ने चलाई है मुझे ये बताओ। मुझे लगता है 100 में से 99 लोगों ने चलाई तक नहीं होगी वो बाइक, बट ऑटो कार जिगविगिज पावर ड्रिफ्ट इन सब के रिव्यू देख देख के ऐसा एक अंधा फैन बेस बन गया है। भाई ऐसे मत बना करो फैन बाइक्स के, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, और डिफेंड मत करा करो बाइक्स को जब तक चलाई ना हो। मैंने चलाई हार्ले X440 एंड मुझे वो पर्सनली बाइक लगी ठीक ठाक, तो मैंने उसके बारे में अच्छी बातें बोली क्योंकि मेरे को बढ़िया लगी बाइक यार, उसमें कोई ऐसा कोई खामी है नहीं। छोटी मोटी फिट फिनिश वगैरह लोग पॉइंट आउट करते हैं, बट ठीक है वो प्रोडक्शन बाइक नहीं थी, अभी 1-1.5 महीने में उसका फिनिश्ड फाइनल वर्जन आएगा मार्केट में जो एक्चुअली लोग खरीदेंगे। बट लोगों को स्पीड 400 को इतना जस्टिफाई करने की आग पड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सीन है यार। क्या मेरे को पता है जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक बाइक की इतनी ज़रा साइड ले रहे होते हैं कि दूसरे से लड़ पड़ते हैं, उन्होंने एंड में ख़रीदना कुछ नहीं है, बट फिर भी लड़ाइयाँ मत करो यार। पहले ही यहाँ पे इतनी हर चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती हैं हमारे देश में, तुम एक बाइकों के ऊपर लड़ाइयाँ चालू कर देते हो। एंड में है बाइक ना भाई, चिल मारो। आज मज़ा आ रहा है बाइक खींचने का, स्टॉक एग्जॉस्ट ने मचाया हुआ है पागलपन जीएस के। सुमित भाई जरा अपना लियो विंस भेजियो एक बार, उसके भी फील करके देखे, मेरी बाइक चला के देखनी है भाई। इस बाइक में कुछ अलग सा पागलपन है, रुकने का दिल ही नहीं करता और खींचते जाने का दिल करता है, वही वाली फीलिंग है जीएस 1250 में।
बस खींचते जाओ बाइक को, कोई अंत ही नहीं है पावर बैंड का, लिटरली खींचते जाओ। और 150 पे जाके रियलाइज होता है यार कि भाई स्पीड है बाइक की, शांत हो जाओ। बहुत बढ़िया। कहाँ से आ रहे हो भैया? मैं दिल्ली से यार। अब कहाँ का सफर है? बस वापस दिल्ली। यही टेकमन सिटी। टाइम पास करने आए, टाइम पास। संडे।